तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जैसे कि आपको पता है बारिश का टाइम चल रहा है और काफी ज्यादा टाइम हो गया, मतलब महीने हो गए बारिश को पड़ते पड़ते, लेकिन मैंने एक भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई जिसमें हम कोई बोट बना रहे हैं, नाव बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में चलती है। तो मुझे अभी अभी याद आया, जो हमारी गलियों में पानी भर चुका है, तो मुझे याद आया कि यार इसका कुछ तो यूज किया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कमाल का प्रोजेक्ट बनाया जाए, जो कि एक बोट होगी। और ये जो बोट होगी ये हम कुछ अलग ही तरीके से बनाने वाले हैं, कुछ अलग ही तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में थोड़ी सी झलक देखी है। तो बहुत ज्यादा कमाल की बोट होने वाली है, आप लोग भी बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना सकते हो। आप लोग कैसे बनाओगे इस वीडियो में आपको देख के पता चल जाएगा, आप इसको एज ए स्कूल प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो, पैसे तो लग नहीं रहे, जल्दी से कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज होने वाली है। लाइक जल्दी से अभी अभी लाइक कर दो, और हाँ कोई ना कोई कमेंट जरूर करके देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास है बहुत बड़ा थर्मोकॉल। देखो पहले तो मैंने सोचा कि हम इसको पीवीसी से बनाते हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास तो भाई थर्मोकॉल ही पड़ा है पहले का, और ये जो चीज है थर्मोकॉल से आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। ये इतना ज्यादा हल्का होता है कि पानी पे बहुत ही आराम से तैरता है, और आपको बनाना बहुत ज्यादा इजी रहेगा ये, क्योंकि वाटर प्रूफिंग वगैरह की टेंशन इसमें नहीं लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पानी में अंदर जाने ही नहीं वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो, और ऐसे ही बनाकर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें नाव का, जो भी नाव बोट जो भी आप कह लो, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस बोट का बेस बन चुका है, अब हम इस तरह के ब्लेड से इसको कट कर लेंगे। एक और ब्लेड मिलता है पेपर कटर टाइप का, वो ज्यादा सेफ है, आप उसका यूज करना, मैं फिलहाल इसका यूज कर रहा हूँ। तो चलो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर बन चुकी है, इसी तरह की तीन लेयर और बनाएंगे और एक आपस में चिपका के इतनी मोटी कर देंगे, इसके लास्ट लेयर जो है उससे डिजाइनिंग कर देंगे इसकी। तो चलो जल्दी करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने तीन पीसेस बना लिए हैं, और इसको काटना थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा। एंड यहाँ पे अब हम इसको चिपका देंगे, पहले फेविकोल से चिपका देंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको बढ़िया से कटिंग करके एक नाव का शेप दे देंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने सबको आपस में चिपका लिया है, लेकिन अभी इसका शेप बहुत ज्यादा बेकार सा लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको बढ़िया से ब्लेड से हर जगह से कट करेंगे, ट्राई करेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से ये बन जाए। बाकी जो ब्लेड है इसके ऊपर सही से चल नहीं पाता, क्योंकि ब्लेड जो इसको बहुत ही आराम से कट कर देते, तो आप स्मूथली इसको करने की कोशिश करना, मैं भी यहाँ पे जल्दी से इसको स्मूथ कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने नीचे वाला हिस्सा बना लिया। देखो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया कि मैं इसको बढ़िया से करूं, लेकिन जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि थर्मोकॉल कितना ज्यादा, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है तेजी से निकल जाते हैं, जैसे हल्का सा आप ब्लेड ऐसे ऐसे करोगे तो निकल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बन पाया है, बाकी काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा सही से बन गया। अब यहाँ पे एक लास्ट लेयर आएगी जिससे कि ऊपर का हिस्सा बनेगा, जो कि अंदर थोड़ी सी जगह होगी इसके, ठीक है। तो जल्दी से वो बना दो। यहाँ पे इसको चिपका लिया है, इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए कुछ वजन डाल के यहाँ पे रख देंगे। तो गाइस फाइनली एक घंटा हो चुका है, एंड ये सूखा है या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सूख चुका है, मतलब काम करने लायक, तो हाँ ये सूख चुका है। और अभी तक हमने सिर्फ इसमें ये काम किया है कि इस बोट को बनाया है, अभी हम इसको पावर देंगे जिससे कि आगे जा पाए। इसको आगे ले जाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, एक तो इसके नीचे मोटर लगा दो जो कि वाटर प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, और नीचे एक प्रोपेलर होता है जो कि पानी को आगे इधर फेंकेगा और इसको आगे करेगा, ठीक है।
तो वो सिस्टम जो है आपको वाटर प्रूफिंग मोटर तो मिलेगा नहीं कहीं पे, और वैसा सिस्टम बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे आसान ये है, एक मोटर लो, फैन लो और पीछे लगा दो। ऐसा भी करने से बोट आगे चलेगा, लेकिन हमें इसे रिमोट कंट्रोल बनाना है और पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना है इसको, इधर उधर घूमे चाहे हमारे पास वापस आए, सारा कुछ करवाना है। मैंने एक चीज सोची है, हमारे पास यहाँ पे ड्रोन मोटर्स पड़े हुए हैं और मैं इसको ड्रोन की मदद से ही, मतलब ड्रोन रिमोट की मदद से ऑपरेट करने वाला हूँ। कैसे होगा अभी आपको समझ नहीं आएगा, सबसे पहले हम वो चीज कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इस बोट को साइड में रखते हैं और यहाँ पे आते हैं हमारे ड्रोन मॉड्यूल की तरफ। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये है ड्रोन का मोटर, और ये हमारे पास इसका जो भी रिसीवर कंट्रोलर, ये बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोपेलर्स है। तो अब हम करेंगे क्या ना, हमें इसे ड्रोन रिमोट से कंट्रोल करना है और पूरा मतलब एक काम करना है, आपको सीधा सीधी बताता हूँ। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन बनाना है और इसके पीछे वाले हिस्से में लगाना है। किस तरह से लगाना है, कैसे कंट्रोल करेंगे, ड्रोन के जरिए इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो आपको पता चलेगा अभी। तो सबसे पहले एक ड्रोन बना लेते हैं। अब अगर हमें बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत जल्दी ड्रोन बनाना है तो हम सिंपल से तरीके का यूज करेंगे जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है। हम स्केच पेन्स लेंगे 4 और इसकी जो कैप है इसमें ड्रोन मोटर आराम से फिट आ जाता है, तो इसको मोटर को होल्ड करने के लिए इसका यूज कर लेंगे और बॉडी बनाने के लिए इसका यूज कर लेंगे। तो जल्दी फटाक से बना लेते हैं। ड्रोन बनाने का बस यही मटेरियल सिंपल सा, जल्दी से सबको कनेक्ट करते हैं और एक ड्रोन का बॉडी बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारे ड्रोन की बॉडी बनके रेडी हो गई। अब यहाँ पे फटाफट मोटर्स को लगा लेते हैं। देखो मोटर्स को लगाना सिंपल है, यहाँ पे देखो ये वाले मोटर्स है ना, इसको ऐसे करके लगाना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और ये जो रेड वाले वायर के वाले मोटर है इसको ऐसे ऐसे क्रॉस में लगाना होता है। कनेक्शन बहुत बार बता चुका हूँ, उसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, फटाफट मोटर को लगा लेते हैं। यहाँ पे ड्रोन रेडी हो चुका है, अगर मैं इसे उड़ाना चाहूँ तो ये उड़ेगा भी, लेकिन अभी उड़ाएंगे नहीं क्योंकि अगर गलती से उधर टकराया तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रोन तो बना लिया बहुत ही ज्यादा आसानी से, आप भी अब इस तरह से ड्रोन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा आसान होता है। इसका कनेक्शन बहुत बार बता चुका हूँ तो आपका टाइम वेस्ट में नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें नहीं मैंने कवर किया। देखना चाहते हो कैसे कनेक्शन करना है तो दो दो वीडियो अवेलेबल है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। आप इसमें से किसी भी जाओ और कनेक्शन वगैरह देख के आ सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, ड्रोन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा और यहाँ पे जैसे ड्रोन को हम आगे बटन दबाएंगे ये आगे जाना चाहिए। अब एग्जैक्टली होना तो ऐसा ही चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। और जब हम ड्रोन को इधर उधर घुमाएंगे तभी हमारी बोट भी इधर उधर घूमनी चाहिए, जिससे कि मैं इसको फुल्ली कंट्रोल कर पाऊंगा। अब जो हमने सोचा है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। फाइनली देख सकते हो हमारी बोट बनके रेडी हो चुकी है। अब एक बार जरा इसको ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, किस तरह से होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है और मैं इसको रिमोट से पेयर करके देखता हूँ। तो गाइस देखा ये तो जमीन पे चल रहा है, मतलब पानी पे तो क्या ही खतरनाक चलेगा। और ये आगे की तरफ सीधा बढ़ रहा है जमीन पे ही, और बल्कि जमीन पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी होता है, पानी पे तो कुछ भी इसको ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो बस मुझे एक ही बात कर रहा है कि कहीं ये पानी में उलट ना जाए इधर उधर, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपके लिए क्योंकि वैसे भी ड्रोन का मदरबोर्ड लगा हुआ है तो अगर पानी में गया तो खराब हो सकता है। बाकी चलते हैं टेस्टिंग करते हैं, इसका वजन थोड़ा आगे से बढ़ा लेते हैं क्योंकि देख सकते हैं उस तरह से पानी में जा सकता है, तो आगे से इसका कुछ वजन वगैरह बढ़ाते हैं और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। पानी में आ चुके हैं और इसको करते हैं टेस्ट। देखो यहाँ पे बारिश का पूरा पानी गली में ही भरा हुआ है, तो गली में ही हम इसको टेस्ट करेंगे। देखो गली में नाव चला रहे हैं, सुना अभी कैसा, आपने कभी सुना है ऐसा। पेयरिंग कर लेते हैं जल्दी से एंड मुझे नहीं पता कैसा चलने वाला है।
गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो हम वैसा कंट्रोल नहीं कर पाए जैसे कि मैंने बोला था कि हम ऐसे ऐसे कंट्रोल कर पाएंगे। रीजन एक और था कि वो जगह बहुत ज्यादा छोटी थी, वो हमारी गली थी जिसमें पानी भर गया था, और यहाँ पे और जितने प्लॉट हैं वो बहुत ज्यादा गंदे पड़े हुए हैं, उसमें नहीं चला सकते इसको, इसलिए मेरे को वहीं पे चलाना पड़ा। बाकी ये बहुत ज्यादा अच्छे से, जब इसका तेजी से थ्रॉटल जाता था तो ये सीधा जाता था, और जो एक होती है मशीन वाली नाव जो कि बहुत ज्यादा तेज चलती है बोट, वैसा चलता था बिल्कुल। लेकिन अगर नदी वगैरह होती यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तेज चलता, मैं मुझे यकीन है इस बात का, और शायद हम इसे कंट्रोल करके भी देख पाते, क्योंकि यार यहाँ पे जगह इतनी कम थी कि मैं जैसे थ्रॉटल देता था इतना तेज भागता था कि बस एक दो सेकंड तीन सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं जाके टकरा जाता था, तो मुझे इधर उधर घुमाने का मौका भी नहीं मिला। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई जो कि मैंने आपको वीडियो में शो नहीं किया, मजा खराब नहीं करना चाहता था मैं। आप हमारे ब्लॉग चैनल में जाकर देख सकते हो, एक ही टेक्निकल आर्मी हमारे एक ब्लॉग चैनल का नाम है, वहां पे आपको बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे कि हमारे नाव के साथ क्या क्या हुआ और हमारा बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो वीडियो अगर कंप्लीट देख रहे हो तो जाकर ब्लॉग को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी ब्लॉग की। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करो, और आपसे क्या चाहिए, इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए तो कर रहे हैं ताकि आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट करो, ठीक है, एंड हाँ लाइक करके जाना। चलो आज की वीडियो में इतनी, तब तक के लिए गुड बाय।